हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप वीडियो शुरू करने से पहले, आज की प्रॉपर्टी दिखाने से पहले आपको ये बताना चाहती हूं, आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ ऑप्शन को कंसीडर करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि उनको चंडीगढ़ के नियर बाय ही रहना है, चंडीगढ़ के नियर बाय में ही कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फ्लैट्स की तरफ मूव नहीं होना चाहते क्योंकि शायद उन्होंने रहना नहीं है, तो उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो प्लॉट ही रहता है। तो आज पहली डिस्कशन हम इसी बात पे करेंगे कि हमारे पास चंडीगढ़ के नियर बाय में जितने भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं उसमें एप्रिसिएशन के क्या चांसेस हैं, साथ ही साथ अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर में स्कोप क्या रहता है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चंडीगढ़ के सराउंडिंग में प्लॉटिंग को कंसीडर कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ के सराउंडिंग में जितनी भी प्लॉटिंग अवेलेबल है उसको लेने के दो बेनिफिट आपको जो है वो रहने वाले हैं। पहला, आज की डेट में चंडीगढ़ के आसपास जो एक डिवेलपमेंट हो रही है वो उसी वे से हो रही है जैसे दिल्ली के आसपास नोएडा, गुड़गांव, जेवर एयरपोर्ट ये सारे डिवेलप हुए हैं, जहाँ पे कस्टमर्स ने, बहुत सारे क्लाइंट्स ने एप्रिसिएशन ली है। तो चंडीगढ़ के नियर बाय भी अगर हम बात करते हैं, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, ये भी सारे उसी तरह से, उसी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिवेल्प हो रहे हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे जिस हिसाब से एक जो है वो आईटी हब बनने वाला है, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी आ चुकी हैं, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें तो आई हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी को और बेटर करने के लिए कार्गो रोड्स आ रही हैं, उसके अलावा कुराली, दिल्ली कुराली हाईवे यहाँ पर आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने हाईवेज हैं, ये जितना आईटी हब है, ये जितना भी हमारा यूनिवर्सिटीज का हब जो यहाँ के सराउंडिंग में डेवलप हो रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही प्लान्ड वे से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसमें आपके पास ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट में मार्क किया हुआ है, तो ये सारी डिवेलपमेंट एक प्लान्ड वे से हो रही है जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देके जाने वाली है। यहाँ पे इसी सराउंडिंग में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी उन क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाली है जो आने वाले लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट, इसका एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आने वाले 6 महीने साल के बीच में आपको यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा, तो शायद ये थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा। अगर वो क्लाइंट्स, जो मेरे वो क्लाइंट्स हैं जो 2 से 2.5 साल के वेटिंग पीरियड में जा सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का वेटिंग पीरियड नहीं बता रही हूँ, मैं एक बार ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, मेरी ये जो प्लॉटिंग साइट जिस पर अभी भी मैं खड़ी हूँ ये आपको रेडी मिलने वाली है, इसके ऊपर आपको रेडी रजिस्ट्री मिलने वाली है। आज की डेट में आप ये जो प्लॉट लेते हैं साथ के साथ आप इसको रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आज आपके बच्चे छोटे हैं, आने वाले टाइम में आप उनके लिए कैसी इन्वेस्टमेंट चंडीगढ़ के नियर बाय करना चाहते हैं जिनमें बच्चों के लिए एक हैंडसम अमाउंट जो है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास रहे, तो वो ये बहुत ही बेनिफिटेड आपके लिए होने वाला है। 2 से 5 साल के जिनके वेटिंग पीरियड में आप जा सकते हैं एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करती हूँ मेरी आज की प्लॉटिंग साइट की। आज की मेरी ये जो प्लॉटिंग साइट है, ये मेरी प्लॉटिंग साइट जो है वो पूरी आपको बिल्कुल गेटेड रहने वाली है, हाईवे से आपकी जो मेरे पीछे आप ये गाड़ियों की मूवमेंट देख रहे हैं, हाईवे से आपको ये मेरी कनेक्टेड प्रॉपर्टी मिलने वाली है। यहाँ पे मेरे पास छोटे प्लॉट साइज अवेलेबल है और से लेके 145 गज के रेडी टू मूव प्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं अगेन बता देती हूँ, ये मेरी प्लॉटिंग साइट जो है वो रेडी टू मूव है, इसमें आपको पूरी सोसाइटी जो है वो गेटेड रहने वाली है। मेरे पीछे आप ये जो पार्क का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ग्रीन पार्क बनेगा, पूरी सोसाइटी में आपको जो है वो गेटेड होने के साथ साथ इंटरनल शॉप्स भी जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपकी रहने वाली है, तो ये पूरी टाउनशिप आपको जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, तो मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, साथ ही साथ अगर आप पार्क फेसिंग यूनिट को जाना चाहते हैं तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है, ईस्ट फेसिंग यूनिट को जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे जैसे डिवेलपमेंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कस्टमर्स को जो नॉलेज बढ़ती जाती है, प्रोजेक्ट की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन्वेंट्रीज जो है वो काफ़ी कम होती जाती हैं, तो जो हर एक की चॉइस होती है, मुझे कॉर्नर चाहिए, मुझे पार्क फेसिंग चाहिए, तो वो इन्वेंट्री धीरे धीरे यहाँ पे आपकी चॉइस ऑफ इन्वेंट्री जो है वो खत्म होती जाती है और साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ता जाता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरी पुरानी वीडियोस को देख के ये बोलते हैं कि आपने वो प्लॉटिंग साइट किस प्राइस
प्राइस के ऊपर दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे प्राइस भी जो है वो प्लॉटिंग का बढ़ता जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री कम हो जाती है और डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है, मेरे पास यहाँ पे 100 से लेके 145 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ 38,900 पर गज के हिसाब से, जी हाँ 38,900 पर गज के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 100 से लेके 145 गज का प्लॉट है। तो अगर आप भी 40 लाख से लेके 60 लाख के बीच में चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर बाय एक अच्छे हाईवे से कनेक्टेड कोई प्लॉटिंग साइट को कंसीडर कर रहे थे, नियर बाय जो है आपको एक अच्छी डेवलपमेंट मिलने वाली है। अब वो डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए इस प्रॉपर्टी साइट को, इस प्लॉटिंग साइट को विजिट करने का प्लान करिए। टोटल अगर मैं पूरे टाउनशिप की बात करूं, इस पूरे टाउनशिप में आपके पास सिर्फ 200 ही प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 200 प्लॉट्स में इसमें अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो हार्डली 50 से 60 जो प्लॉट्स हैं वो ही मेरे पास यहां पे अवेलेबल है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे जैसे इसमें जो है इन्वेंट्री कम होती जाएगी इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा पहली बात, और दूसरी बात चॉइस ऑफ प्लॉट आपको जो है वो नहीं मिल पाएगा। रेरा अप्रूव्ड मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट है, रेरा से इसके जो है वो ऑलरेडी जो क्लियरेंस हो चुकी है, साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है रेडी रजिस्ट्री है, हैंड टू हैंड आपकी इसकी जो है वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। प्राइस के साथ साथ साइज भी छोटा अवेलेबल है। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लॉट को कंसीडर कर रहे थे, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 2 से 2.5 साल का वेटिंग कर सकते हैं, बाहर से शिफ्ट होना है या चंडीगढ़ में रहते हैं मोहाली में रहते हैं अपना प्लॉट कंसीडर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 2 से 2.5 साल में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सराउंडिंग में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट भी मिलने वाली है, जल्दी जाइए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। एक सही रेट पे सही लोकेशन पे आसपास की डेवलपमेंट को अगर आप भी अवेल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, तो जाइए जल्दी जाइए कॉल करिए और इस साइट को विजिट करने का प्लान करिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप मेरी वीडियो को इतना पूरा क्लियरली देखने के लिए। थैंक यू।